आप सभी का स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, महाराष्ट्र बोर्ड, लेक्चर नंबर 3, 1.2, एन इनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड बाय तपन मुखर्जी। सेकंड लेक्चर में हमने इसको स्टार्ट किया था। मैंने आपसे कहा था इसको मैं 5 लेक्चर में डिवाइड करूंगा। बड़ा चैप्टर है, इसको मैं 5 लेक्चर में डिवाइड करूंगा, अर्थात मेरे हिसाब से मैं इसको 5 पैसेज में डिवाइड करूंगा, जिसमें से पिछले लेक्चर मैंने 2 पैराग्राफ करवाया था, तीसरा पैराग्राफ का कुछ पंक्तियां मैंने करवाई थी, कुछ सेंटेंसेस मैंने बताए थे, लेकिन मैं वहां से फिर से स्टार्ट कर रहा हूं तीसरे पैराग्राफ से, जिससे आपका लिंक बना रहे। चलिए तो हम शुरू करते हैं तीसरे पैराग्राफ से। आफ्टर अ हार्टी लंच My parents and my younger sister lay down for an afternoon nap. After a hearty lunch, मतलब भरपूर भोजन लेने के उपरांत, my parents and my younger sister, मेरे पालक और कौन, मेरी छोटी बहन, lay down for an afternoon nap. दोपहर के भोजन के उपरांत मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन ले डाउन, मतलब वो जाते हैं किसके लिए, ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप। नैप यानी क्या होता है, झपकी। मैंने बताया था आपको नैप मतलब झपकी, थोड़ा सा आराम करने के लिए वो लोग जाते हैं। एंड आई सेटल डाउन विथ अ स्टोरी बुक, और मैं अपनी किताबों के साथ सेटल डाउन हो गया, मतलब बैठ गया उसको पढ़ने के लिए। द क्वाइट यानी शांत आफ्टरनून यानी दोपहर प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी। शांत दोपहर बिल्कुल उपयुक्त समय था, शांत दोपहर में एकदम बिल्कुल उपयुक्त समय था कि मैं साहसिक कहानियां पढ़ सकूं, क्योंकि माहौल शांत होता है तो साहसिक कहानियां पढ़ने में अच्छा होता है, व्यवस्थित मतलब उसको और अच्छे ढंग से वो समझ में आता है। कोई भी चीज़ें हम शांत माहौल में करेंगे, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जब हम माहौल शांत होता है तो हम अगर कोई भी स्टडी करेंगे तो हमारे लिए बेहतरीन होता है। द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग। स्नोरिंग मतलब क्या होता है, खर्राटे। लेकिन ये जो शांति थी वो बीच बीच में रह रह के क्या हो रही थी, भंग हो रही थी, क्योंकि जो लोग सो रहे थे वो भर भर के खर्राटे ले रहे थे, जिसकी वजह से ध्यान थोड़ा भटक रहा था, साइलेंस ब्रेक हो रहा था। द इंटरमिटेंट यानी रुक रुक कर चर्पिंग ऑफ हाउस स्पैरो, यानी चर्पिंग ऑफ हाउस स्पैरो का अर्थ क्या होता है यहां पर, स्पैरो मतलब गौरैया चिड़िया। स्पैरो मतलब क्या होता है, गौरैया चिड़िया, जो घर घर में पाई जाती है। पहले होता था लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज स्पैरो, आज गौरैया चिड़िया घर घर में कहाँ पाई जा रही है। जब से ये आधुनिकीकरण इतनी चरम सीमा पे हो गया है तब से गौरैया चिड़िया लगभग लगभग धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है, परंतु आज भी गाँव में हमको इस तरह से देखने को मिलता है, गाँव में माहौल देखने को मिलता है जहाँ पर इस तरह से उनकी चहचहाट हमको सुनाई पड़ती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि मेरा ध्यान, जब मैं स्टोरी बुक पढ़ रहा था, आपको पिछला लेक्चर पूरी तरह से अच्छी तरह से याद होगा, और नहीं याद होगा तो प्लीज़ मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख लीजिएगा, तो आपको ये स्टोरी यानी उसके बाद की कहानी समझने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर राइटर तपन मुखर्जी आराम से बैठ के किताबें पढ़ रहे थे, साहसिक जो है कि किताबें पढ़ रहे थे, बीच बीच में क्या हो रहा, शांति थी, बहुत शांति थी, लेकिन क्या हो रहा था कि घर वाले जो सो रहे थे उनके खर्राटों से वो शांति बीच बीच में भंग हो रही थी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट शांति और कहां से भंग हो रही थी कि ये जो गौरैया चिड़िया थी ये बीच बीच में क्या करती थी, चहचहाट करती थी, जिसकी वजह से शांति थोड़ी सी वहां पर भी उनकी टूट रही थी, दो जगहों से टूट रही थी। ओके, द हार्स, और तीसरा क्या है, द हार्स काविंग ऑफ अ क्रो, कवे की काव काव से भी क्या हो रही थी, चहचहाट जो उनकी टूट रही थी। देखिए अगर कोयल बोले तो थोड़ा मधुर होता है, लेकिन अगर कौवा की काँव काँव की कर्कश आवाज आए तो थोड़ा सा जरा जो है कि वो हार्ड लगता है, एकदम टफ लगता है। तो उससे भी क्या हो रहा था, तो वो ध्यान वहां से भटक रहा था राइटर का। तो कह रहे थे एक तो फैमिली जो है कि वहां पर सो रहे थे, खर्राटे ले रहे थे, वहां से गौरैया चिड़िया की जो चहचहाट थी वहां से, कौवे की जो आवाज आ रही थी, कर्कश आवाज काँव काँव की आ रही थी, काँव 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 काँव, हाँ, तो वहां से भी थोड़ा सा कोशिश किया मैंने, तो वहां से भी जो है कि वो सारी चीजें मतलब उनका ध्यान भटक रहा था। तो तीन चीजें हो गई, एक तो फैमिली के खर्राटे, दूसरा गौरैया चिड़िया, और तीसरा कौवे की काँव काँव। द इंटरमीडिएट चर्पिंग ऑफ हाउस स्पैरोज, द हार्स काविंग ऑफ अ, यस, क्रिव।
The shrill call, the shrill यानी कर्कश स्वर call of a kite, चील flying high above the ground. चील जो जमीन से ऊपर ऊंचाई पर उड़ रहा था उसकी भी यहां पर वर्ड इस्तेमाल किया श्रिल कॉल, यानी उसकी भी कर्कश स्वर से मेरा ध्यान क्या हो रहा था, भटक रहा था. तो बहुत सारे ऐसे, दोपहर शांत था नो डाउट, लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां ने वहां पर जन्म ले लिया था कि जिसकी वजह से राइटर तपन मुखर्जी का ध्यान क्या था, भटक रहा था, टूट रहा था. यस, मिनट्स टिक्ड ऑफ, समय इसी तरह से दोपहर का बीतता चला जा रहा था. क्या हुआ? आई बिकम डीपली अब्सॉर्ब्ड इन द बुक, यानी मैं पूरी तरह से तन्मयता यानी गहराई के साथ अपने उस साहसिक किताबों में डूब गया था. देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम बहुत ध्यान से स्टडी करते हैं ना, तो हम उसमें डूब जाते हैं. जैसे आप भोजन कर रहे हैं, भोजन तो सभी करते हैं, लेकिन कहां कर रहे हैं, टीवी के सामने. सीरियल आप देख रहे हैं, आपका पसंदीदा सीरियल आ रहा है, सास भी कभी बहुत थी, आपने देखा, आप इतना उसमें खो गए कि निवाले आप उठा रहे हैं, पता चला कि अगर आप थोड़ा साइड में हो गए, बगल में किसी के जो है मुंह में चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. निवाले उठाने के लिए आप ध्यान ही नहीं है ना इधर, आपका तो ध्यान तो टीवी पे है. नीचे से कोई थाली सरका दिया, आप जमीन से ही कुछ उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान नहीं है. कहां ध्यान नहीं है? खाने में ध्यान नहीं है. आपका ध्यान कहां है? टीवी में. आप समझिए मैं कह रहा हूं, स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, राइटर पूरी तरह से खो गया था. जैसे आप टीवी में खो जाते हो, ऐसे खो जाते हो कि अपनी सुधबुद्ध भी खुद भुला बैठते हो, अपने स्वयं को भूल जाते हो. तो उस तरह से राइटर अपनी किताबों में खो गया था. आप भी अपनी किताबों में खोइए, वो ज्यादा श्रेयस्कर है. चलिए, सडनली अचानक, यस, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, बढ़िया था, सब स्टडी वगैरह चल रही थी, एकदम कहानियों में खोए हुए थे तपन मुखर्जी राइटर साहब. अचानक, सडनली क्या होता है, सुनिएगा. यही कहानी हमको, मैंने आपसे कहा था कि हम इसको अगले लेक्चर में देखते हैं क्या घटनाएं हुई. आइए शुरू करते हैं. सडनली, थर्ड पैराग्राफ खत्म हो गया, फोर्थ पे हम लोग जा रहे हैं. सडनली आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग. स्ट्रीट डॉग्स, यस, स्ट्रीट यानी रास्ता, डॉग्स यानी हाथी. हाथी नहीं, यस बिल्कुल सही, डॉग्स यानी एलिफेंट मतलब होता है हाथी. डॉग्स यानी क्या होता है? यस, कुत्ता, जिसको हम भोजपुरी में कुकुर कहते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. गाइस, तो कुत्ते की जोर से भौंकने की आवाजें, सडनली अचानक कुत्तों की जोर से भौंकने की रास्ते पे आवाजें आने लगी. जो रास्ते पे चलने वाले कुत्ते होते हैं ना, हर एक का अपना अपना एरिया डिवाइडेड होता है. यस, उन लोगों का भी एरिया रहता है, मालूम है कि अगर आप एक कुत्ता अगर बिना परमिशन के दूसरे एरिया में पहुंच गया, देखो फिर वो मारामारी होती है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है. वो चिल्लाता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसे के ऊपर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं. हिम्मत किसी की नहीं होती उसको काटने की या आगे बढ़ने की. उसमें एक आज डेरिंग वाला रहता है, फिर वो जाता है तो बाकी सब फिर उसके उसके पीछे पीछे आते हैं. वरना सिर्फ ये भौंकते रहते हैं. ये भौंकने वाले होते हैं, सिर्फ काटने वाले नहीं होते, लेकिन जनरली ऐसा होता है. मैंने कहा ना आपसे, जोर जोर से ये भी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे. सडनली अचानक क्या हुआ कि तपन मुखर्जी को इस तरह से बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी. सडनली आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग. यस, कैसा? फ्यूरियसली, क्रोध से, गुस्से से. एक होता है कि नॉर्मली मतलब भौंकना, नॉर्मली भौंकना, और एक होता है गुस्से से चिल्लाना. दोनों में डिफरेंस होता है. जब जोर जोर से एकदम पूरे तेज तर्रार होके जो है कि ये कुत्ते लोग चिल्ला रहे थे, तब मतलब वो आवाज डिफरेंट होने की वजह से राइटर को लगा भाई कुछ तो है, कुछ तो हो रहा है, आई डोंट नो बट कुछ तो हो रहा है. सडनली आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस. मतलब दूर, मतलब जो राइडर जहां थे वहां से काफी दूरी पे ऐसे लगा कि बहुत सारे कुत्ते गुस्से से जोर से
चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं। आगे क्या होता है, आई चूज टू इग्नोर द कोमोशन। कोमोशन मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश में वर्ड दिया है नॉइज एंड कंफ्यूजन, यानी शोरगुल और थोड़ा सा भ्रम। आई, राइटर यहां पर क्या कह रहे हैं, आई चूज टू इग्नोर, मैं अक्सर इन चीजों को इग्नोर कर देता हूं, इस तरह से शोरगुल और इस तरह से भ्रम में पैदा होने वाली जो आवाजें होती हैं, मैं इसको इग्नोर कर देता हूं। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए कि द पैक्स ऑफ डॉग्स, की बहुत सारे कुत्तों के समूह माइट हैव कॉर्नर्ड, यानी माइट हैव कॉर्नर्ड, रुक जाइए, ये बहुत सारे कुत्तों के समूह में अगर कभी कोई फंस गया तो कौन बचा सकता है? यस, हमें धर्मपाल जी बचा सकते हैं, धर्मेंद्र जी। आप बोलेंगे हैं धर्मेंद्र जी कहां से आ गए, वो तो एक्टर है, वो तो हीरो है, यहां पर धर्मेंद्र जी कहां से आ गए? आपने सुना होगा उनका डायलॉग्स, कुत्ता मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तब देखिए क्या होता है कि अक्सर जो है कि सारे कुत्ते डर के भाग जाते हैं, ये अक्सर जो है कि धर्मेंद्र जी का डायलॉग्स हम लोगों ने सुना हुआ है, इसलिए कुत्ते तो उनसे भाई बहुत डरते हैं। धर्मेंद्र जी क्षमा करें, बस आपकी ही थोड़ी सी नकल करने की कोशिश की जा रही थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर भी राइटर को आई चूज टू इग्नोर द कमोशन, मतलब राइटर तपन मुखर्जी कहते हैं कि इस तरह के जो शोरगुल होता है या इस तरह के भ्रम पैदा करने वाली जो आवाजें होती हैं, अक्सर मैं इसको इग्नोर कर देता हूं। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए कि द पैक ऑफ डॉग्स, की बहुत सारे कुत्ते के समूह माइट हैव, समूह में बहुत सारे कुत्तों के समूह में माइट हैव, ये हो सकता है कि कॉर्नर्ड, यानी कोई फंस गया हो, अ यानी एक हेल्पलेस पिग, पिग यानी सुअर। देखिए सुअर लोग भी धर्मेंद्र जी से बहुत डरते हैं, उनका खास करके बहुत फेमस डायलॉग रहा, सुअर के बच्चों मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, यानी कहने का तात्पर्य है कि इसके लिए उनको देखते बराबर भाग जाते थे कि बाबा उनके नजदीक नहीं जाना है, ये तो खून पीने की स्थिति बात करते हैं, पानी तो कभी पीते ही नहीं लगता जैसे। यानी कहने का तात्पर्य यहां पर जो है कि ये है कि वहां पर ये अक्सर तपन मुखर्जी सोचते थे कि अक्सर ऐसा होता था कि बहुत सारे कुत्तों के समूह में एकाध सुअर का, मतलब जो बालक होगा वो फंस गया होगा, तो जिसकी वजह से वहां पर जो है कि इस तरह की जो चिल्लाहट हो रही है। तो इस बात को समझते हुए तपन मुखर्जी उसकी तरफ क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। देखिए आपके भी अगल बगल में बहुत सारे कुत्ते जब भौंकते होंगे, थोड़ी क्या हमेशा जाके देखते होंगे क्या हो रहा है मैटर, चलो कुत्तों का क्या मैटर है, चलो हम लोग सॉल्व करके आते हैं, अपना काम थोड़ी है, वो लोग आपस में अपना जो है सलट लेंगे, क्या क्या करना उनको, अपना वो लोग देख लेंगे। यानी यही सोच के यहाँ राइटर भी कि भाई हो सकता है कि कोई जो है कि सुअर का मतलब बच्चा उसमें फंस गया हो उनके बीच में, तो इसके लिए जो है जोर जोर से वहां पर चिल्लाहट हो रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कहते हैं बट, लेकिन सून, मतलब बस कुछ ही देर में, द बार्किंग बिकेम लाउडर, जो चिल्लाहट थी अब और जोर पकड़ रही है। इस झगड़े होते हैं पहले, मैं तेरे को देख लूंगा, तू मेरे को देख लेना, फिर जोर जोर चला मैं तेरे को देख लूंगा, फिर वो भी बोलेगा तू भी मेरे को देख लेना, मैं भी तेरे को देख, मतलब बहुत सारी चीजें वहां पर चालू हो जाती है। चिल्लाहट जोर जोर से जब पकड़ लेती समझ में आ जाता कुछ तो लफड़ा है। पहले शुरुआत में बातचीत रहती थी तो कुछ मतलब लोग इतना इग्नोर करते, भाई दो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब जोर जोर से चिल्लाहट होना चालू हो गई तो लगता है भाई कुछ तो गड़बड़ है, तब वहां पर लोग ध्यान लगाते हैं। यहां पर भी बिल्कुल भी तपन मुखर्जी यही कह रहे हैं कि अचानक धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, आवाजें और बढ़ रही है, बिकेम लाउडर एंड मोर एग्रेसिव एंड द, और भी जोर जोर से वहां पर आ रही है आवाजें, एंड द अलार्म्ड काविंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रोज, फ्लॉक ऑफ क्रोज, कौवे की काव काव इन आवाजों में और बढ़ोतरी दे रही थी, एडेड टू द कैकोफोनी, कैकोफोनी मतलब कर्कश स्वर। यहां पर देखिए सी ए सी ओ पी एच ओ एन वाई, यानी क्या हो जाएगा कैकोफोनी, मतलब क्या होता है कर्कश स्वर, मतलब एक तो पहले ही कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, उसमें से कौवे ने भी अपनी आवाज उड़ेल दी थी, यानी कौवा भी जोर जोर से चिल्ला रहा है, यानी एक तो पहले से कर्कश उसमें और कर्कश, तो ये कैकोफोनी हो गया, मतलब कि कर्कश स्वर में और बढ़ोतरी हो चुकी थी। जब इतना बहुत सारा कर्कश स्वर आ रहा है तो राइटर का ध्यान भटकेगा ही। तो उसके बाद ये हो रहा है कि आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस
अप्रोचिंग क्लोजर. अब मुझे ऐसा लगा कि जो आवाजें पहले दूर सुनाई देती थी अब वो एक धीरे धीरे क्या हो रही है, नजदीक आ रही है मेरे. क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी. क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, यानी मेरी जिज्ञासा बढ़ते चली जा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है. ये इस प्रकार से कुत्तों के भौंकने की, कौओं के चिल्लाने की, इस तरह की जो आवाजें हो रही है आखिर वजह क्या है, चलो जरा देखा जाए. क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा मेरी भी वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. लिविंग द बुक असाइड. अब ऐसी परिस्थिति में पढ़ाई कहां से हो पाएगी. मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जब परिस्थितियां विभिन्न होंगी तब तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता कि ध्यान उसमें लगने वाला है, क्योंकि हम इतने बड़े जो है कि अभी तक जो है कि संत महात्मा नहीं बन गए हैं कि बाहर कुछ भी होता रहेगा और हमारा ध्यान बिल्कुल भटकने वाला नहीं, ऐसा नहीं है. तो यहाँ पर राइटर तपन मुखर्जी का भी ध्यान भटका और उन्होंने भी सोचा कि भाई क्या हो रहा है, जरा देखा जाए आखिर हो क्या रहा है, मैटर क्या है, जरा समझ तो ले. तो बुक साइड में रख के वो भी जो है निकल लिए, उस तरफ चल दिए. आई रश टू द बरामदा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन. मैं भी निकल लिया उस बरामदे की तरफ कि भाई वहां पर हो क्या रहा है. मैं अपने बरामदे की तरफ निकला देखने के लिए कि हो क्या रहा है, चलो मैं जाके जरा देखता हूं. जब वहां पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि आई ग्लांस टूवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस. जैसे मैंने आपसे बताया था कि जो गार्डन था, गार्डन से सटा हुआ क्लब हाउस था, वहां के जो भी काम कर्मचारी थे उन सबके लिए क्लब हाउस बनाया गया था, उसका रूफ यानी छत. आई ग्लांस टूवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस. तो मैंने उसके छप्पर, उस क्लब हाउस के छप्पर की तरफ बरामदे में से निगाह जब उठा के देखा, एंड सॉ समथिंग हॉरिबल. हॉरिबल यानी कुछ भयंकर, भयंकर. तो मैंने देखा तो मुझे बहुत ज्यादा वहां पर स्थिति भयंकर नजर आ रही थी. भयंकर क्या था वहां पर देखिए. अ बिग, बड़ा, मेल, पुरुष, लंगूर, बंदर. अपरेंटली, संभवतः, द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप. ऐसा लग रहा था कि वो सारे बंदरों का क्या हो, नेता हो. वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर. उसने पकड़ रखा था एक बेबी लंगूर को, यानी एक बालक को, किसके, बंदर के बालक को. यस, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में. एंड मर्सीलेसली, दयाहीनता, मतलब मर्सीलेसली मतलब जिसके अंदर दया ना हो, दयाहीनता के साथ बीटिंग इट, उसको काट रहा था उस बच्चे को. इट ऑल ओवर विथ अ डेफिनेट इंटेंट टू किल. मतलब इंटेंट मतलब इरादा, टू किल यानी खत्म करना, यानी वो उसको काटते चला जा रहा था इस इरादे से कि वो उसको क्या करेगा, मार डालेगा, खत्म कर देगा. यानी एक मतलब लीडर, बंदरों का लीडर, वो एक बालक बंदर को पकड़ के उसको काट रहा था और काट इस इरादे से रहा था कि उसको खत्म कर दे जाएगा, मार देगा उसको. सोच लीजिए, जानवरों में भी ऐसा होता है कि कहना नहीं चाहिए, बट इंसान ही नहीं जानवरों में भी ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे के मतलब विरोधी इतना हद तक गुजर सकते हैं, इतना हद तक जा सकते हैं कि एक दूसरे को जो है कि मतलब उसके जीवन को समाप्त भी कर सकते हैं. बड़े दुख की बात है ये, मतलब भयावह स्थिति है और सचमुच भयावह स्थिति है. आगे है स्टोरी, द हेल्पलेस. आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि मतलब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उस क्लब हाउस के छत पे एक मतलब बंदरों का जो लीडर था वो एक छोटे से बंदर को पकड़ के मार रहा था, यानी उसको खत्म करने के कगार पे था. आगे, द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी. मां असहाय, हेल्पलेस, उसकी मां असहाय थी क्योंकि वो ताकतवर था, बंदर ताकतवर था, लीडर था, ऐसा देख के लग रहा था वो लीडर है. आपने भी देखा होगा जिसका प्रभुत्व होता है वो तो भाई एकदम जोश में रहता है और बाकी लोगों को जो है कि मतलब गाजर मूली समझता है. आपने भी देखा होगा, आपने भी कभी किया होगा. देखिएगा, आप अभी बड़े हो चुके हैं, अब 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप बड़े हो गए होंगे,
आपसे अगर कोई छोटा होगा, मान लीजिए छोटा पांचवी छठवीं बच्चा अगर कोई पढ़ रहा होगा, तो आप उसको कैसा धमकी देते होंगे, हे मतलब क्योंकि आप हाइटेड हैं, बड़े हैं और छोटा है, और बेचारा नहीं नहीं भैया मैंने कुछ नहीं किया, तो इस तरह से जो है कि वो मतलब वो डर जाता होगा। तो यहां पर भी कुछ इसी तरह से माँ बेचारी वो एकदम मतलब भयंकर और माँ असहाय सिर्फ खड़ी होकर वहां देख रही है अत्याचार, कर भी क्या सकती थी, जिसका कोई नहीं है उसका वो रक्षक ऊपर वाला बैठा है, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी एंड अदर, और भी लोग थे वहां पर, मां ही नहीं थी हेल्पलेस, और भी लोग थे, एंड अदर लेसर मेंबर्स यानी जो कमजोर और जो बंदरों के समूह के लोग थे, ऑफ द लंगूर ग्रुप, लंगूर ग्रुप के और जो कमजोर लोग थे वो भी वहां पर इकट्ठे थे। वेयर स्कैटर, इधर उधर सब खड़े हुए थे, ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग की छत पे सब इधर उधर बिखरे हुए थे, सब लोग खड़े हुए थे। नियर बाय, कहां पर, जहां घटना हो रही उसके बगल में, वॉचिंग द बेबी बींग किल्ड, और बेबी को वहां पर उस बालक बंदर को मरते हुए सब देख रहे थे, यानी छत के ऊपर वो घटना घट रही है, रूफ पे छप्पर पे घटना हो रही है, और वहां पर क्या हो रहा है कि एक लीडर जो है, लीडर बंदर वो जो है कि छोटे से बंदर को पकड़ के उसको मार रहा है, माँ बेचारी असहाय है, वह भी छत पे है, वो देख रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, और भी बहुत थोड़े बहुत बंदर हैं वहां पर, वो भी यहाँ वहां बिखरे हुए हैं, सब देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं पर देखो झगड़े वगैरह हो जाते हैं, बाकी सब लोग खड़े होकर देखते हैं क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, मतलब सोची जो है कि अब उसमें भाई समझौता कराने के बजाय या समझाने के बजाय या कुछ वहाँ हस्तक्षेप करने के बजाय सब लोग बाहर से खड़े होकर देखते रहते हैं सिर्फ, हाँ कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है, हो रहा होगा, हमको क्या करने का है। ये जनरली अक्सर ये ट्रेंड रहता है, देखा जाता है। यहाँ पर भी वही सारी चीज़ थी, कुछ लोग खड़े थे लेकिन वहाँ पर भी कोई भी मध्य में यानी बीच में नहीं आ रहा था, माँ बेचारी ऐसा है देख रही थी, क्या कर सकती थी। ये सब हो रहा था वहां पे, मैं सब कुछ देख रहा था, हाँ मैं देख रहा था, मैं मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं था वहां पे, तपन मुखर्जी साहब थे, तपन मुखर्जी साहब सब देख रहे थे। तो तपन मुखर्जी साहब कहते हैं कि आई रिकॉल्ड, तो उस वक्त वहां से मुझे एक जानकारी पता हुई, मुझे मतलब रिकॉर्ड मतलब मालूम पड़ा कि द टेरिबल यानी भयंकर कस्टम यानी प्रथा इन द एनिमल क्लैन, क्लैन मतलब समूह। तो राइटर कहते हैं कि वहां से मुझे एक भयंकर प्रथा मालूम पड़ी, किसमें मालूम पड़ी कि ये जो एनिमल क्लैन है मतलब ये जो जानवरों का समूह है ना, उसकी एक भयंकर प्रथा हमें पता चली। देखिए भयंकर प्रथाएं सिर्फ इंसानों में नहीं है, जानवरों में भी है। राइटर को उस दिन ये पता चला कि क्या पता चला, इंसानों में भी बहुत ऐसी ऐसी प्रथाएं हैं ना सर, ऐसे ऐसे अंधविश्वास हैं ना हम इंसानों में। अब क्या मैं आपको बताऊं, क्या ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है ना कि जिसकी वजह से अब क्या मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं, मैं आपको एक ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो पूर्ण रूप से जो है कि कहते नहीं क्या अंधविश्वास से भरे हुए हैं, मतलब उनका सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन है इसी तरह से कुछ ऐसी प्रथाएं आज भी प्रचलित हैं। वैसे जानवरों में भी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो पता नहीं थी, उस दिन राइटर को पता चला, क्या पता चला आप भी सुनिएगा। राइटर को यह पता चला, ये भयंकर प्रथा पता चली कि और कहां पर, जानवरों के समूह में, अकॉर्डिंग टू विच, जिसमें यह पता चला कि डोमिनेंट मेल जो वर्चस्व वाला व्यक्ति होता है, उसमें जो वर्चस्व वाला जानवर होता है Usually does not allow another male. वो अक्सर क्या करता है कि दूसरे जो male यानी जो उसमें सर्वश्रेष्ठ यानी सर्वोच्च जो पुरुष जानवर होता है, वो दूसरे पुरुष बालक baby और adult यानी प्रौढ़ जो बालक या वृद्ध जो यहाँ पर जानवर होते हैं टू adult टू सर्वाइव विद इन इट्स ग्रुप, यानी मैं बताता हूँ, According to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. यानी कहने का तात्पर्य है जो वहाँ पर वर्चस्व में रहने वाला जानवर होता है ना, जिसके पास ताकत होती पावर होता है, वहाँ के बच्चों को और बुजुर्गों को सर्वाइव यानी जीवित नहीं रहने देता था, वो उनको मार देता था। ये प्रथा उस दिन पता चली।
कि ऐसा उसमें होता था। राइटर को बहुत दुख हुआ इस तरह की जो है कि कस्टम को देखकर, इस प्रकार की प्रथाओं को देखकर। आगे है, विदाउट लॉसिंग एनी टाइम, बिना क्षणिक मात्र भी समय गवाए क्या होता है, आई गैदर्ड अ स्टाउट यानी बड़ी स्टिक यानी लाठी इन वन हैंड, मैंने बिना समय गवाए लाठी उठा लिया, उठा के फिर इस तरह से खड़ा कर दिया वहां पे, मारा नहीं लाठी से। अक्सर क्या होता है मालूम है आपको, लाठी उठाने की बात बताऊं मैं आपको, छोटा सा एक स्टोरी बताता हूं। इस लाठी के कमाल बड़े बड़े देखे गए हैं, अभी नहीं पहले टाइम पे शुरुआती दौर में, जब शुरुआती दौर में नई नई फिल्में बनती थी, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ, 1950s की बात बता रहा हूँ। उस वक्त अक्सर एक जगह ऐसी गांव में इस तरह से मतलब टीवी आया था, पर्दा मतलब आप उस जमाने में ना इस तरह से क्या होता है, गाँव में एक ही टीवी होती थी, तो पूरा गाँव बैठ के वहाँ पर इकट्ठा होकर जो है कि देखता रहता था, मालूम है। और वहाँ पर आप लोग को नहीं मालूम होगा शायद, और वहाँ पर पर्दे पे भी पिक्चर चलता था, इसी तरह से पर्दा रहता था, वहाँ से रील ऐसा घुमाते थे तो इस तरह से पिक्चर चलती थी, मालूम जैसे ये बोर्ड है इस तरह से पर्दे लगाए रहते थे, इस तरह से पिक्चर चलती थी। तो गांव में एक जगह इस तरह से कुछ मूवीज वगैरह चल रही थी और पूरा गाँव इकट्ठा था वहाँ पर जो है कि देख रहा था, और उसमें सीन कुछ ऐसा था कि हीरोइन भाग रही है और हीरो तो वहाँ ही नहीं, हीरोइन भाग रही है और विलन जो खलनायक थे उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, और हीरोइन जोर जोर से चिल्ला रही है बचाओ बचाओ बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे बचाओ। तो मतलब वहाँ पर सब पीछे चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं। इतने में क्या होता है कि एक जो है कि बुजुर्ग, जो गांव के बुजुर्ग थे उनको नहीं मालूम था, वो जो है कि कहीं दूर गए थे, आए देखे अरे बाप रे कि लड़की को इतने सारे लोग जो है कि जोर जोर से जो है कि दौड़ा रहे। दादा ने कहा कि अरे तुम इतने सारे गांव वाले यहाँ पर बैठे हो और एक बच्ची को इतने सारे लोग जो है कि दौड़ा रहे हैं और तुम लोग कर क्या रहे हो, उठाओ रे लाठी लाओ जल्दी, उठाए मारे लाठी फाड़ करके पर्दा फट गया, पूरा पर्दा वहीं पर फट गया, सत्यानाश, पूरी फिल्म का सत्यानाश। गांव वाले बाकी लोग उठ के आए, बोले कि दादा किए क्या ये मतलब क्या हो गया। तो बोले अरे तुम लोग को शर्म नहीं आती है हाँ कि यहाँ पर जो है कि एक बच्ची को इस तरह से लोग दौड़ा रहे हैं और जो है कि तुम लोग बैठे यहाँ जो है तमाशा देख रहे हो। अरे बोले दादा ये सचमुच में थोड़ी हो रहा था, ये तो बायोस्कोप था, ये तो फिल्म थी। बोले फिल्म में क्या होता है, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। वहां से चले गए, सर लोग बोले ये देखो सत्यानाश हो गया। तो उनको नहीं पता था ना कि भाई क्या हो रहा है। तो देखिए वहां पर लाठी का कैसा इस्तेमाल हुआ, किस तरह से लाठी का इस्तेमाल किया गया। तो अक्सर इस तरह से लाठियों का या पत्थरों का इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन अच्छे के लिए किया जाए तो बढ़िया है, अगर बस यूं ही किसी का सर फोड़ने के लिए किया जाए तो वो गलत चीज है। तो यहां पर भी राइटर ने भी बिल्कुल यही काम किया। क्या किया राइटर ने, राइटर कहते हैं कि आई गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक, कि मैंने एक बड़ी सी लाठी उठा ली इन वन हैंड एंड हर्ड मतलब क्या होता है, फेंकना, अ पीस ऑफ स्टोन एट द मराउंडिंग लंगूर। और मैंने क्या किया, पीस ऑफ स्टोन पत्थर का इस तरह से जो है कि टुकड़ा ले लेके उसके ऊपर फेंकना चालू कर दिया। किसके ऊपर, मतलब वो जो आक्रमणकारी, जो मतलब जो बंदर वहां पर उस बच्चे को मार रहा था, उस बंदर के ऊपर मैंने पत्थर उठा के फेंकना चालू कर दिया। मराउंडिंग लंगूर मतलब आक्रमणकारी बंदर के ऊपर मैंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड, वो इतना आक्रामक इतना हिंसक हो चुका था कि दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असॉल्ट, मेरे हमले का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, इतना ज्यादा वो मतलब उस बच्चे को मारने में लगा हुआ था, उस बालक जो बंदर था उसको, ये बड़ा बंदर उसको मारने में इतना मतलब बोलते उसमें घुल गया था, इतना ज्यादा वो हिंसक हो चुका था कि उसको खुद को मार लग रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा है। बट लेकिन देन आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स, उसके बाद मैं भी कहां कम था, मैं मतलब तपन मुखर्जी कहते हैं मैं कहां कम था, मैंने और पत्थर उठाए ले मारना चालू किया और पत्थर से फेंक रहा हूं उस बंदर के ऊपर। तो क्या होता है सुनिएगा, द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज्ड देयर पिच ऑफ क्राई, पिच ऑफ क्राई मतलब जोर से चिल्लाना,
एक तो मैं पत्थर उठा के मार रहा था और जो डॉग्स थे, कुत्ते थे जो, वो जोर जोर से चीख चीख के चिल्ला रहे थे। मैं पत्थर मार रहा था, कुत्ते उसको ऊपर चिल्ला रहे थे, मतलब किसके ऊपर? बंदर के ऊपर। बंदर के ऊपर भौंक रहे थे, मतलब बंदर को भौंक रहे थे। तो वो चिल्ला रहे और मैं पत्थर मार रहा हूं, मार रहा हूं। कुछ तो असर होगा। हाँ बिल्कुल सही है, उस बंदर के ऊपर भी यहां पर असर हुआ, होना ही था। क्या हुआ देखते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।